नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये नया क्लास जो है एक नए टॉपिक के साथ प्रारंभ हो रहा है। भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय टॉपिक आज आप लोगों की क्लास के लिए शेड्यूल्ड किया गया है और ये टॉपिक है अनुसूची। कई परीक्षाओं में चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो, IAS का हो या PCS का हो, इसी तरीके से TGT और PGT की परीक्षाओं में समान रूप से यह टॉपिक उपयोगी है, जहाँ से अक्सर परीक्षा में सवाल पूछे जाते रहे हैं। कई बार कूट से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, कई बार मिलान से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। तो इस तरीके से हर परीक्षा में यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक का हम लोग आइए अध्ययन करते हैं अनुसूचियों के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अनुसूचियों का एक ऐतिहासिक विकास क्रम कि किस तरीके से भारतीय संविधान के मूल रूप में अनुसूचियों की संख्या थी और धीरे धीरे इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो भारतीय संविधान में मूल रूप से अगर देखा जाए तो 8 अनुसूचियाँ ही थी, लेकिन समय समय पर भारतीय संविधान में अलग अलग प्रकार के प्रावधान अपेक्षा और आवश्यकता के अनुसार जोड़े गए और उनसे संबंधित अनुसूचियों की संख्या बढ़ती गई। तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान के लागू होने के बाद भारतीय संविधान में 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया है। तो पहली अनुसूची, पहले संशोधन अधिनियम के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था, इसके माध्यम से 9वां अनुसूची जोड़ा गया था। इसी तरीके से 10वां अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 में जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वां अनुसूची जोड़ा गया था। इसी तरीके से 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1993 में ये दोनों ही अनुसूची 1993 में जोड़ी गई थी। तो इस तरीके से वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था में वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया है, जो भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था के अलग अलग प्रकार के प्रावधानों को अपने में सम्मिलित करते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था को अध्ययन करने और पढ़ने से पूर्व में इन अनुसूचियों का यदि अध्ययन किया जाए, उसमें सम्मिलित समस्त प्रावधानों का अध्ययन किया जाए, तो इससे भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था की विशेषताएं और उसके स्वरूप के बारे में काफी कुछ हद तक चीजें और प्रावधान क्लियर हो जाती हैं। तो इसलिए भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था में अनुसूचियों का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरीके से वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं और 12 अनुसूचियों में अलग अलग प्रकार के विषयों और उपबंधों का प्रावधान किया गया है। तो आइए हम क्रम से एक एक अनुसूची का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि किन अनुसूचियों में किस प्रकार के विषयों और उपबंधों का प्रावधान किया गया है। पहले अनुसूची में संघ एवं राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान किया गया है। समय समय पर इसकी संख्या भी घटती बढ़ती रही है, यद्यपि सामान्यतः इसकी संख्या बढ़ती ही रही है, लेकिन कुछ ऐसे समय आए हैं जो वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में बदलाव और प्रगति हुई है, उससे इसकी संख्या ना केवल बढ़ी है बल्कि एक दो बार घट भी गई है। तो हम उनको भी देखेंगे कि किस तरीके से और कब जो है भारतीय संविधान में राज्यों की संख्या या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घटी है। तो जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संविधान में राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर लद्दाख और कश्मीर जम्मू जैसे दो केंद्र शासित प्रदेशों का उदय हुआ। तो ऐसी स्थिति में पूर्व में जहाँ पर 7 थे, अब वर्तमान समय में 2 अर्थात 9 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में हो गए। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये देखना है कि दादर नगर हवेली और दमन दीव इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक में विलय करने की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक घट जाएगा और वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ने के साथ ही साथ घटनाक्रम और राजनीतिक बदलाव और राजनीतिक रूप से लिए गए निर्णय के कारण से उसकी संख्या परिवर्तित हुई है। इसी तरीके से भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था में
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों राज्यों के निर्माण के बाद भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में कुल 29 राज्य हो गए, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य को जब राज्य का दर्जा समाप्त करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो यहाँ पर एक घटकर 28 राज्य ही बचे। तो वर्तमान समय की ये स्थिति है। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में परिवर्तन होता रहता। हो सकता है आने वाले समय में दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक एकरूपता के कारण से इसमें कोई और परिवर्तन हो सकता है, परंतु इस तरीके से परिवर्तन होते रहते हैं। और वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारतीय संविधान और भारतीय भूभाग के अंतर्गत विद्यमान है। तो इस तरीके से पहले अनुसूची के अंतर्गत राज्यों संघ शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया है। और दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते एवं पेंशन के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। यहां पर कुछ ऐसे पदों के बारे में उल्लेख किया गया है जिन पदों के संदर्भ में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर पहला जो पद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, राष्ट्रपति है, और दूसरे नंबर पे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, और इसी तरीके से लोकसभा अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, इसी तरीके से विधान परिषद के सभापति उपसभापति हैं, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों पदाधिकारियों के साथ में राज्यपाल, इन समस्त महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित प्रावधान किया गया है। इतने पदाधिकारी यानी कि राष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, और ये विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति उपसभापति और लोकसभा के साथ साथ राज्यपाल को भी इस तरीके के वर्गों में रखा गया है, जहां के वेतन भत्ते और पेंशन का प्रावधान अनुसूची 2 के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो इस तरीके से इतने महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जिनके वेतन भत्ते और पेंशन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुसूची 2 के अंतर्गत व्यवस्थित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुसूची तीन के अंतर्गत शपथ ग्रहण करने के दौरान शपथ के प्रारूप पर चर्चा किया गया है। इससे संबंधित सवाल पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं कि इनमें किन पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है अनुसूची है जिसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है, और उस समय जो है प्रधानमंत्री का दिया गया था, तो प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण जो प्रारूप है वो इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर मंत्रियों का जो है शामिल किया गया, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो राष्ट्रपति हैं, मंत्री हैं, और इसी तरीके से उपराष्ट्रपति हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा लिए जाने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शपथ के प्रारूप पर यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यहाँ पर उपसभापति की बात नहीं, यहाँ पर उपराष्ट्रपति का ही बात किया गया। तो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, मंत्री हैं, और इसी तरीके से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह में शपथ के प्रारूप की चर्चा की गई है। तो इस तरीके से शपथ प्रारूप भी महत्वपूर्ण है, जहाँ से सवाल बनने और पूछने की संभावनाएं विद्यमान रहती हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात की गई है। यहाँ पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात जो की गई है वो 2 प्रकार, यानी कि एक जो है साधारण जो राज्य है और दूसरे जो है संघ शासित क्षेत्र। तो इन दोनों ही क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व की बात इसमें कही गई है, और दोनों के प्रतिनिधित्व इस बात पे निर्भर करते हैं कि कहाँ किस प्रकार की संख्या है जिसके आधार पर यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। तो इस तरीके से अनुसूची 4 के अंतर्गत राज्यसभा में राज्यों
और संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात और प्रावधान यहाँ पर किया गया है। अब हम आते हैं अनुसूची पांच पे। अनुसूची पांच के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों, इन क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। यहाँ की अलग अपनी कल्चर होती है, वहाँ के अलग रहन सहन होते हैं, अलग खान पान होते हैं, तो इन क्षेत्रों में अलग प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता महसूस की गई है, इसलिए यहाँ पर अलग प्रकार से शासन प्रशासन की व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक विशेष प्रकार का प्रावधान किया गया है। इसमें जनजाति क्षेत्र है और अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा आदेश जारी किया जाता है, जिससे समय समय पर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में शामिल किया जाता है और जहाँ पर एक विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं। आगे आने वाले चैप्टर्स में इस पर डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे, परंतु यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि जनजाति क्षेत्र होती है जो ट्राइब्स होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, और ये अनुसूचित क्षेत्र होता है जहाँ पर विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं, जैसे कहीं पर जंगली क्षेत्र हो गया, कहीं पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र हो गया, तो इस प्रकार की जो है व्यवस्थाएं होती है, जैसे गोरखा हिल्स हो गया, तो यहाँ पर और जनजातीय क्षेत्रों में, इन दोनों ही क्षेत्रों में अलग प्रकार के प्रशासन की अपेक्षा होती है, ताकि वहाँ की समस्याओं को समझते हुए वहाँ की समस्याओं के अनुरूप वहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था स्थापित किया जा सके, ताकि वहाँ के लोगों और वहाँ की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को संचालित करते हुए उनका कल्याण किया जा सके, और उनका कल्याण करते हुए विकास और समाज की मुख्य धारा में इन लोगों को जोड़ा जा सके। तो इस तरीके से देखा जाए तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुसूची पांच में प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से यहां पर अनुसूची छह के अंतर्गत यहां पर जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात कही गई है, और यहां पर भी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात कही गई है, लेकिन इसमें चार राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन चारों राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रशासन किया गया है। तो यहाँ से सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछे गए, जिसको ध्यान में रखना आवश्यक है कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासन, और पूर्व के अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों, यहाँ जनजाति के साथ साथ अनुसूचित शेड्यूल्ड जो एरिया है, जो समय समय पर घोषित किए जाते हैं, उनमें भी प्रशासन की बात रहेगी, लेकिन छठवें जो अनुसूची उसमें केवल जनजातीय क्षेत्र के जो है प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से ये राज्यों का नाम याद रखना आवश्यक है। इसे एक शॉर्ट फॉर्म में जो है इसको एक ट्रिक के रूप में बना लिया गया है, जिससे परीक्षा में याद करने में आसानी होगी। पहले ही लेक्चर में मैंने प्रिपरेशंस के डायमेंशंस में अवधारणात्मक समझ, स्मरण और लास्ट में ट्रिक, इन फार्मूले के आधार पर किसी भी विषय और टॉपिक को तैयार करने के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे चूंकि ये पूरी तरीके से तथ्यात्मक है, और इसी तरीके से भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में कई बार राज्यों के अलग अलग समूहों को याद करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए इसको ट्रिक बना दिया गया, जिससे आप लोगों को भूलें। ये अमिमिति आ से जो है असम हो गया, मे से मेघालय हो गया, मी से मिजोरम हो गया, और ती से त्रिपुरा हो गया। तो इस तरीके से ये जो चार राज्य हैं, इसे आप अमिमिति के नाम से याद कर सकते हैं, और इसको अगर याद कर लेते हैं तो ये चारों राज्य के नाम याद हो जाएंगे, और इससे आपका जो है एक महत्वपूर्ण अनुसूची के अंतर्गत आने वाले सवालों की कंफ्यूजन दूर हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये अनुसूची छह में चार राज्यों के बारे में प्रावधान है। कई बार ये भी यहाँ पे सवाल और समस्या उत्पन्न हो जाता है कि ये पांचवें में है या चौथे में है, तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि दोनों ही सम संख्याएं हैं। छठवें में चार राज्य, दोनों दो से विभाजित संख्याएं हैं, अर्थात छह और चार। तो इस तरीके से याद करेंगे तो आसानी होगी, और जब छठा याद हो जाएगा तो पांचवा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि पांचवा मतलब अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन का जो प्रावधान है वो इसके पूर्व में है। तो जब हम चार राज्यों की बात जब छठवें अनुसूची में कर देंगे तो अन्य क्षेत्रों में प्रशासन और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन वो स्वतः अपने आप जो है पांचवें अनुसूची में सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से याद करने का और अलग अलग तरीके के विषयों को अलग अलग तरीके के
फार्मूले से याद करने का जो है तरीका विकसित करना चाहिए। यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके और प्रावधान और एक सोच हो सकता है, लेकिन हमने पढ़ाई के दौरान इस तरीके से देखा तो हम आप लोगों को बता रहे हैं। आप भी पढ़ाई करने के दौरान जो भी विषय कठिन महसूस होते हैं उसको इन माध्यमों से, इन तरीकों से, अपने तरीके से विकसित किए गए फार्मूले से याद कर सकते हैं। तो छठवें अनुसूची में चार राज्यों के जनजात क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से सातवें अनुसूची में सातवें अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। सात से सात हो रहा है और सात से शक्तियों का वर्गीकरण हो रहा है। ये याद करने में थोड़ा सा आसानी है, दोनों में सात सात हैं और शक्तियों का जो बंटवारा है वो सूचियों के माध्यम से किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों के माध्यम से विषयों का वर्गीकरण किया गया है, जिससे संघ और राज्यों के द्वारा उन निर्धारित विषयों पर शासन किया जाता है। और समवर्ती सूची ऐसा विषय है जहां पर केंद्र और राज्य इन दोनों ही सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है, परंतु यदि कोई भी ऐसा विषय है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा कानून का निर्माण कर दिया जाता है और वहां पर अगर टकराव की स्थिति होती है, जो राज्य द्वारा बनाया गया कानून, तो राज्य द्वारा बनाया गया कानून उस सीमा तक शून्य घोषित हो जाता है जहां तक वह केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए या संसद के द्वारा बनाए गए कानून से टकराव की स्थिति में आता है। तो इस तरीके से शक्तियों का बंटवारा सातवें अनुसूची में किया गया है और इसके अंतर्गत तीन प्रकार की सूचियों के माध्यम से विषयों का वर्गीकरण किया गया है, जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को संघात्मक शासन का स्वरूप प्रदान करता है और इन विषयों के माध्यम से इन शासन और सरकारों के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। तो इस तरीके से शक्तियों का बंटवारा सातवें अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। अब आठवें अनुसूची पर हम लोग आते हैं। आठवें अनुसूची में भाषा का प्रावधान किया गया है। आठवें अनुसूची में भाषा का प्रावधान किया गया है और इसमें मूल संविधान में 14 भाषा थी और वर्तमान समय में 22 भाषा रखा गया है। अब इसमें यह देखना है कि कब कौन से और कितने प्रकार के भाषाएं इसमें जोड़ी गई हैं। तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी जोड़ा गया है। सासे सिंधी और सासे संसठ है, दोनों में इस तरीके की समानता है जिससे याद करने में आसानी होगी कि सिंधी जो भाषा था वो भारतीय संविधान 1967 ईस्वी में जोड़ा गया और ये 21वें संविधान संशोधन से। ये एक बेसिक डेटा है, ये बेसिक जो है बेस डाटा, इसको याद करने पर आगे के जो भी परिवर्तन हुए हैं वो इसी तरीके से हुए हैं। अगला जो है 71वां, जैसे 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 है, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इसके माध्यम से भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में नेपाली मणिपुरी और कोंकणी ये तीनों भाषाओं को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया है। और अब यहाँ पे जैसे हम पहुंचते हैं 1992 में, तो यहाँ पे 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके माध्यम से 2003 में मैथिली और संथाली बांग्ला संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली BDMS को बोला जाता है। BDMS
ये शॉर्ट फॉर्म है। इससे संबंधित सवाल कई बार पूछा गया है, इसमें से ये सवाल भी पूछता है कि बोडो, डोगरी, मैथिली और मणिपुरी इनमें से कौन सी भाषा बानवे संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में नहीं जोड़ा गया। तो इसमें आपका मणिपुरी भाषा होगा, क्योंकि यह जो है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, तो 67 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 71 आ जाएगा। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, तो 92 के आया यहाँ पे, तो हम 92वां संविधान संशोधन अधिनियम सीधा देख लेते हैं। 92 है यहाँ, तो 92 यहाँ है, ये 2003। तो ये डाटा, ये डाटा बेस डाटा और इंड है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये 15वां हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था में वर्तमान समय में कुल 22 भाषाओं का प्रावधान किया गया है, जिसे समय समय पर भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था में आवश्यकता अनुसार संशोधन करते हुए संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि भाषा का प्रावधान 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। अब हम आते हैं 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। 9वां अनुसूची भारतीय संविधान में, जैसा कि आपको पूर्व में भी बताया गया है कि यह अनुसूची मूल संविधान में नहीं थी, यह अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। और 9वीं अनुसूची में संपत्ति अर्जन से संबंधित जो है विधियों का प्रावधान किया गया है, कि भूभाग या भूमि सुधार से संबंधित जो कानून बनाए जाते थे, संपत्ति अर्जन से संबंधित जो कानून बनाए जाते थे, उसे इस अनुसूची में डाल दिया गया। और इन नियमों को, इन विधियों और नियमों को न्यायालय से, न्यायालय में चुनौती देने से, इन विधियों को न्यायालय में चुनौती देने से व्यावृत्ति प्रदान की गई है। यहां पर व्यावृत्ति, व्यावृत्ति का मतलब होता है छूट। पूर्व में भी बताया गया है कि अगर आप ऐसे पेपर मुख्य परीक्षा में लिख रहे हो जहां पर विषय से संबंधित जो है प्रश्न पूछे गए हैं, तो वहां पर आप उच्च स्तरीय शब्दों का चयन कीजिए, प्रयोग कीजिए, जिससे आपके उत्तर अत्यंत प्रभावी होगा और आकर्षक होगा, जिससे अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जैसे भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था में अगर आप किसी भी विषय पर लिख रहे हैं, तो आवश्यकता अनुसार आप वहां पर संवैधानिक, सांविधिक, उसी तरीके से संविधानेतर निर्वचन करना, जैसे व्याख्या होता है सामान्य रूप से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वैसे इसमें कोर्ट के द्वारा यानी कि न्यायालय के द्वारा विषयों पर निर्वचन किया जाता है। इसी तरीके से व्यावृत्ति मानी छूट हो गया। निरसन शब्द का प्रयोग भी कहीं कहीं पर होता है, जिसका मतलब डिलीट करना होता है। भारतीय संविधान के कई प्रावधान और अनुच्छेद जो समय समय पर आवश्यकता न रहने की स्थिति में उसको निरसित कर दिया गया है। निरसित, जिसका मतलब होता है डिलीट करना, निरसित करना मतलब डिलीट करना होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था में 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है भूमि सुधार और संपत्ति अर्जन से संबंधित विधियों का प्रावधान किया गया और उसे इस अनुसूची में रख दिया गया, और इस अनुसूची में रखे गए विधियों को कोर्ट में या न्यायालय में चुनौती देने से व्यावृत्ति या छूट दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी व्याख्या में 2007 में यह व्यवस्था किया गया है कि अब इस अनुसूची के अंतर्गत शामिल होने वाले विधियों को भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इस तरीके से अब पूर्व में बनाई गई व्यवस्था यहाँ पे भी समाप्त होती हुई नजर आ रही है। समय समय पर इसकी संख्या बढ़ती गई है और संसद के द्वारा अधिनियम को या संविधान में संशोधन करके अन्य विषयों को और उससे संबंधित प्रावधानों को इसमें शामिल किया जाता रहा है, वो समय समय पर बढ़ता रहा है। तो इस तरीके से 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार एवं संपत्ति अर्जन से संबंधित विधियों को सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई थी। और 10वीं अनुसूची के अंतर्गत, 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया था। 10वीं अनुसूची भी भारतीय संविधान में मूल रूप में नहीं शामिल था, इसे 1985 ईस्वी में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से सम्मिलित किया गया। और मूल रूप में यह प्रावधान किया गया कि व्यक्ति अगर किसी भी एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाता है तो उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाती है और उसके लिए एक तकनीकी शब्द निराहरण लिखा जाता है। यह सब होता निरहरता, निरहर हो जाता है और उसे
डिसक्वालीफाई कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको डिसक्वालीफाई कहा जाता है, अर्थात कि वो निरर्थ हो जाता है। तो इसी तरीके से इसमें यह प्रावधान किया गया 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा कि यदि कोई भी व्यक्ति एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाता है तो वह सदस्यता समाप्त हो जाती है उसकी और वह डिसक्वालीफाई हो जाता है। लेकिन इसमें ये व्यवस्था बनाई गई कि यदि किसी भी दल का 1/3 भाग या उससे अधिक भाग जो है खंडित होता है और वो दूसरे पार्टी में जाता है तो वहां पर उसे निरर्थ यानी कि डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार के प्रावधान का लाभ उठाते हुए कई पार्टियों में विघटन हुआ और वहां 1/3 या उससे अधिक सदस्य दूसरी पार्टी में सम्मिलित हुए और वहां पर सरकार बनाने में भाग लिए। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में विखंडन की एक स्थिति प्रारंभ हो गई और इससे निपटने के लिए 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 इसमें जो पूर्व की 1/3 या इससे अधिक भाग के दूसरे पार्टी में सम्मिलित होने पर निरर्थ न होने की स्थिति थी, डिस्क्वालीफाई न होने का प्रावधान था, उसे समाप्त कर दिया गया कि यदि इसमें 1/3 भाग भी दूसरे पार्टी में जाता है तो वो फिर भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा और उसे सदन में मंत्री पद और लाभ के पद से वहां पर भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी एक दल का दूसरे दल में विलय इत्यादि की व्यवस्था को अभी भी बनाए रखा गया है। तो इस तरीके से दल बदल से संबंधित जो प्रावधान है वो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, जिसमें दल बदल करने की स्थिति में उसके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में प्रावधान हुआ है। तो 10वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान आप लोगों ने देखा और अब हम आते हैं 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। ये दोनों ही अनुसूची बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्रमशः भारतीय संविधान में 1993 ईस्वी में जोड़ा गया। तो ये अधिनियम 1992 है लेकिन ये प्रभावी हुआ 1993, यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसी तरीके से 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, लेकिन ये दोनों लागू हुए 1993 ईस्वी में। तो ये अधिनियम संबंधित 1992 से है और लागू किया गया 1993, ये दोनों के बारे में ये व्यवस्थाएं हैं। 73वां और 74वां दोनों ही संविधान संशोधन अधिनियम 92 से संबंधित है और 93 ईस्वी में लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था, ये दोनों स्थानीय सुशासन के अंतर्गत आते हैं, स्थानीय सुशासन, स्थानीय सुशासन के अंतर्गत ये दोनों ही प्रावधान आते हैं। अब ये पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सुशासन और नगर पालिका नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सुशासन की व्यवस्था करता है। पंचायती राज व्यवस्था में कुल 16 आर्टिकल हैं और इसमें 29 विषय रखे गए हैं। इन अनुच्छेदों के माध्यम से इन विषयों पर शासन की व्यवस्था संचालित करके ग्रामीण क्षेत्रों में उन विषयों पर काम किया जाता है और ग्रामीण जीवन में परिवर्तन करने की बात की जाती है। इसके अंतर्गत जो भूमि सुधार, स्कूल और लाइट की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, तालाब सौंदर्यीकरण की व्यवस्था इत्यादि चीजें यहाँ पर आती हैं। इसी तरीके से नगर पालिका में 18 आर्टिकल और 18 विषय, ये याद करने के लिए आसान है, परीक्षा में यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। ये 18 और 18 है, नगर पालिका में 18 अनुच्छेद हैं और 18 ही विषय हैं जिसके माध्यम से यहाँ पर शासन का संचालन किया जाता है। और यहाँ पे चूंकि अनुसूची अनुच्छेद कम है, 16 ही अनुच्छेद है, तो यहाँ पर ये बढ़ गया है। तो दोनों में संतुलन स्थापित है, यहाँ पर 18-18 है, यहाँ अनुच्छेद 18 से घटे हैं तो यहाँ पर विषय बढ़ गए हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के एक अत्यंत लोकप्रिय टॉपिक अनुसूची के बारे में अध्ययन किया। अनुसूची के बारे में अपेक्षा अनुसार ट्रिक के माध्यम से और अन्य विषयों के बारे में हम लोगों ने एक विश्लेषण करते हुए अवधारणात्मक समझ विकसित करने का प्रयास किया। आप लोगों से अपेक्षा है कि इस विषय के, इस टॉपिक के साथ साथ आप अन्य विषयों में संतुलन स्थापित करते हुए अपना अध्ययन जारी रखिए, बेहतर ढंग से अपने अध्ययन को अंजाम देने का प्रयास कीजिए जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके और परीक्षा में आपकी मजबूती हो सके। तो इस तरीके से आज का ये क्लास यहीं तक। आप सभी लोगों को नमस्कार, आगे पुनः एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे।